नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे जो है मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम डेली आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लेते आते हैं जो आप लोगों के मेंस के प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है जो 9 बजे आपको वीडियो प्राप्त होती है, जो क्लास आपको प्राप्त होती है, यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी दो सब्जेक्ट हाल ही में कवर कराए जा रहे हैं। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट भी कवर कराए जाएंगे। 6 बजे आपको अन्य सब्जेक्ट की वीडियो प्राप्त होती है, यानी कि यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो चारों जीएस पेपर का कोई भी सब्जेक्ट हो वो यहाँ पर आंसर राइटिंग के हिसाब से कवर कराया जाएगा। 9 बजे जो आपको वीडियो प्राप्त होती है उसके अंदर जो है हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही है, वहां पर अन्य सब्जेक्ट चल रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी जो है हम कवर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उनको हम कवर करेंगे। तो ऐसे करके ही हम आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो आंसर राइटिंग के हिसाब से कवर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक से संबंधित कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, उन सभी की तैयारी यहाँ पर आपके लिए कराई जाएगी। उनकी शुरुआत कैसे हो, उनमें कौन कौन से पॉइंट देने होते हैं, उस क्वेश्चन को समझना, उसका निष्कर्ष लिखना, सभी यहाँ पर अच्छे से आपको बताया जाएगा। और साथ में ये भी समझाया जाएगा कि एक क्वेश्चन को कैसे, अच्छा क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, यानी कि एक नॉर्मल आंसर जब आप दे रहे हैं पहले आप सीखते हैं कि आंसर कैसे दिया जाए। कि काफी बच्चों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं कि सर मैं तो आंसर दे ही नहीं पाता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैं किसी टॉपिक की नॉलेज रखता हूँ, जब उस टॉपिक से संबंध मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। तो पहले उस चीज की शुरुआत होनी इंपॉर्टेंट है, फिर जब आप नॉर्मल आंसर लिख दें फिर उसको अच्छा कैसे बनाया जाना, उसके पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताना कि हाँ यहाँ पे ये चीज कर सकते हो, ये टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर ये कर सकते हो, इस टाइप से ऐसे डायग्राम इन क्वेश्चन के अंदर लगते हैं, कोटेशन से स्टार्ट जो है इन क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जो वरदान बचाया जा रहा है उसके पुस्तक का जिक्र आप ऐसे करके कर सकते हो, किसी महान व्यक्ति का जिक्र हो रहा है तो किसी उसकी बात से, कुछ उसने बात बोली है, कुछ महत्वपूर्ण लाइन है जो प्रसिद्ध है उससे आप उस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन से संबंधित हो, तो किसी की शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से पॉइंट देने होते हैं, वो कैसे देने होते हैं और फिर उसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, वो सभी चीज आप सीख जाएंगे और उसके आहिस्ते आहिस्ते चीजें बढ़ते चल जाएंगे, बढ़ते चल जाएंगे, फिर नॉर्मल आंसर से एक अच्छा आंसर सीख जाएंगे, तो जो आपकी और आपकी सफलता के बीच में जो दूरी है वो लगातार ऐसे घटती चली जाएगी। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट और होते चले जाएंगे ऐसे घटती चली जाएगी और एक दिन आप जो है आपकी सफलता आपके कदम चूम लेगी। तो ये छोटी सी एक मुहिम, वो डेली के 2 क्वेश्चन कैसे 10 क्वेश्चन बनते हैं, कैसे फिर 60 क्वेश्चन बनते हैं मंथ में, फिर कैसे कैसे बन के जाके वो पूरे टेस्ट और टेस्ट 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 करते चलते चले आपके पूरे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आपके पूरे जीएस पेपर और फिर आपका पूरा मेंस कवर हो जाता है और आप मेंस क्रैक करके जो है आईएएस पीसीएस जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जो है आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, तो उन सभी चीजों के लिए यहां पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी उठते हैं कि सर ये छोटे छोटे वीडियो जो है, देखिए 2 क्वेश्चन आपको डेली प्राप्त होते हैं, 2 जो है आपको होते हैं 9 बजे क्लास में, 2 होते हैं जो आपको होते हैं शाम के 6 बजे आपको जो क्लास दी जाती है उसके अंदर, 4 क्वेश्चन आपके डेली तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब ये डेली सिर्फ 4 क्वेश्चन है और कैसे करते हैं 60 बनते हैं, कैसे फिर ये 100 बन जाते हैं, पूरे टेस्ट बन जाते हैं, पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, ऐसे ही बूंद बूंद से जैसे बोला जाता है कि घड़ा भरता है यहाँ पर तो पूरा सागर भर जाएगा। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट पीसीएस की आईएएस की वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन कौन से हैं आइए चेक करते हैं। देखिए, संसद के कामकाज में संसदीय समितियों का क्या महत्व है और इसकी प्रभावशीलता में सुधार के क्या उपाय सुझाइए। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है कि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय हैं, हो सकते हैं वो हमें बता दीजिए, वो सुझाइए हमें। ठीक है, संसदीय समिति कितनी चर्चाओं के अंदर रहती है, ये शायद यदि आप गंभीर रूप से स्टडी कर रहे हैं, आप जो है सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति, तो आपको पता है कि संसदीय समिति जो है पॉलिटी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से चर्चाओं के अंदर रहता ही है। अब क्वेश्चन वहां पर कई तरीके से क्रिएट हो सकता है, संसदीय समिति के ऊपर एक क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है और जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि मान लीजिए देखिए संसदीय समिति ही एक टॉपिक है जो कि करंट के अंदर रहता है और उसके करंट के पहलू के तहत कवर करते करते मान लीजिए हमने इस चीज के ऊपर 10 क्वेश्चन कवर कर लिए,
ठीक है, या 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं वो क्रिएट करके हमने संसदीय समिति को कवर कर लिया कि भाई आप कुछ भी पूछ लो, अब हमारे पास सभी पॉइंट है, इसको कैसे लिखना है सब पता है। तो आप बताइए संसदीय समिति से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस के अंदर, क्या आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे? आप खुद सोचेगा कि संसदीय समिति के ऊपर यदि आपने 10 क्वेश्चंस को देखा हो, पता हो कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये पूछा गया है तो इसके ये पॉइंट्स होते हैं, संसदीय समिति संबंधित ये पूछा गया है तो इसके ये पॉइंट्स होते हैं, करंट से रिलेट करके कैसे भी रिलेट करके 10 क्वेश्चन जब क्रिएट हो जाएंगे और आपको देखेंगे कि इस टॉपिक से संसदीय केवल एक समिति से संसदीय समिति से 10 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, 10 क्वेश्चन के बारे में मुझे पता है, तो बताइए जब वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए लिखना उस टॉपिक के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो क्लासेस चल रही है ये मुहिम है आपके जो है सिलेक्शन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि संसदीय जो मंच है और संसदीय समूह क्या है, साथ ही उनके कार्यों पर भी चर्चा कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन दोनों दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनको कैसे लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि संसद के कामकाज में संसदीय समिति का क्या महत्व है, इस बारे में हमें बात करनी है और उसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय हमें सुझाने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। देखिए संसद की जो जटिल संरचना है इसके समक्ष विस्तृत कार्य होने के कारण वह अपने समक्ष लाए गए सभी विषयों को प्रभावकारी ढंग से जो है निष्पादन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अन्य कामों में बिजी रहती है, पर्टिकुलर किसी विषय पर इतना ध्यान नहीं दे सकती है। ठीक है, उसके और भी बहुत सारे कारण है। ठीक है, इस जटिल कार्य में जो है संसदीय समितियां विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करती है, वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए बनाई गई है, उसको अन्य काम करने होते हैं और विशेषता क्या नहीं होती है कि आपको उस चीज की अच्छे से नॉलेज हो, क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं होती इस चीज के बारे में। ठीक है, मान ली साइंस का प्रोग्राम है, साइंस की हर चीज में नॉलेज नहीं है, अब वो चीज पर्टिकुलर उन इंसानों के पास हो अपना, उनसे जो है वो बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, वहां से अपनी राय ले सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसी समिति को जो है संसदीय समिति कहा जाता है जो सदन द्वारा गठित की जाती है, अध्यक्ष या सभापति द्वारा जो है नामित की जाती है या उनके निर्देशन पर काम करती है। संसद की जो रिपोर्ट प्रस्तुत वो करती है किससे संबंधित जो भी विषय को दिया जाता है कि ये विधेयक आया है, ये चीज है, इस पे देखिए कैसे हो सकता है, क्या इसमें सही है सही नहीं है, तो क्या क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, वो बहुत सारी चीजों पे बात होती है। ठीक है, तो ऐसे आपने उस चीज के बारे में बताना है वो क्या करती है, क्या क्या चीजें हैं और वो भी क्वेश्चन से संबंधित। ध्यान रखना संसदीय समिति के क्वेश्चन आएंगे, वो किस तरह से आए हैं ये आपको देखना है। मान लीजिए नॉर्मल कामकाज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है या करंट संबंधित कोई विषय है, कोई चीज चल रही है उससे संबंधित पूछ रहा है, वो चीज ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से अपनी पृष्ठभूमि को लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं संसदीय समिति प्रणाली के महत्व के बारे में जो पूछा गया है। अब जो भी पूछा गया है हमें वो ही फुलफिल करना है, वो ही बताना है। ठीक है, इन समितियों से संबंधित जो मंत्रालय है वो विभागों का अनुदान मांगों को देखने और उनसे जुड़े जो विधेयक है उनकी जांच करने, उनकी वार्षिक रिपोर्ट और दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करने और संसद की रिपोर्ट जो है करने का कार्य है वो सौंपा जाता है। ठीक है, कि भाई संसद को वो रिपोर्ट दे, ठीक है, वो चीज पहुंचाए कि भाई ये चीज को बारे में मैं ऐसा समझता हूँ, ये चीज इसमें चेंजेस या फिर ये सही है, जो भी रिपोर्ट उसकी है। आमतौर पर जो है संसदीय समिति की रिपोर्ट बहुत अधिक विस्तृत होती है, जो शासन और संबंधित जो मामले होते हैं जो प्रारंभिक जो है जानकारी प्रदान की जाती है की जा रही है, जो संबंधित है कोई भी मामला है उसे संबंधित सभी संबंधित मामले है प्रमाणिक जानकारी उनको दी जाती है कि भाई ये चीज ऐसे है और ये चीज के प्रमाण है, ये चीज ऐसे होगी, ये चीजें चेंजेज होगी, ये हम इसमें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से राय मांगते हैं और विशेषज्ञ होते हैं उस चीज की। ठीक है, तो जो संबंधित मामलों पर जो है प्रमाणिक जानकारी उनको प्रदान करती है और इन समितियों से संदर्भित जो है विधेयक जो है महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन के साथ जो है सदन में वापस आते हैं और इनके अतिरिक्त जो है समिति को अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान जो है विशेषज्ञ सलाह और सार्वजनिक राय प्राप्त करने का अधिकार उनका होता है। ठीक है, और ये समिति जो है दोनों सदनों के सदस्यों छोटी इकाइयां होती हैं और ये सदस्य अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं, जो समितियां पूरे वर्ष कार्य करती है। ये क्या देख रहे हैं, ये इनके महत्व हम देख रहे हैं कि यदि उनको काम सौंपा जाता है वो चलती है तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो कितना महत्वपूर्ण है, समिति प्रणाली जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी विषय के लिए, किसी भी विधेयक के लिए और इन कार्यों के लिए। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं, इनके महत्व देख रहे हैं। इसके अलावा जो है संसदीय समिति जो है लोक लुभावन मांगों को लेकर जो है बाध्य नहीं होती है, जो आमतौर पर संसद के काम में बाधा उत्पन्न करती है।
इन समितियों की जो बैठक है वो गुप्त होती है, ऐसे में जो है समितियों के सदस्य पार्टी विप द्वारा जो है बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है। और संसदीय समिति की बहस पर चर्चा के लोकाचार का कार्य करती हैं, और इसके अलावा जो है समितियां सार्वजनिक लोकप्रियता से दूर रहकर काम करती हैं, और संसदीय कार्रवाई को जो है संचालित करने वाली जो प्रक्रिया है उनकी तुलना में अनौपचारिक बने रहने के साथ यह सदन के नए और युवा सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था होती है। ये क्या हम देख रहे थे, ये इनके महत्व देख रहे थे। अब संसदीय समिति के महत्व में गिरावट किन किन कारण से आई है और हाल ही में क्या क्या चीज देखने को मिली है उन पे बात हमें करनी है। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीज क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली वो हमसे क्या जानना चाहता है, ये हमें पता लग गया तो मान लीजिए कि 50% काम खत्म हो गया। अब कुछ चीजें स्पष्ट लिखी गई होती हैं क्वेश्चन के अंदर, मगर कुछ चीजें उसमें साइंस के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर छिपी हुई होती हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। संसदीय समिति प्रणाली की अनदेखी, देखिए PRS जो है लेजिस्लेटिव टीचर्स के आंकड़ों के अनुसार जो है 14वीं लोकसभा में 60%, 15वीं लोकसभा में 71% और विधेयक संबंधी विभाग या स्थायी जो समिति होती है उनको भेजे गए, जबकि 16वीं लोकसभा में जो है ऐसे विधेयकों का अनुपात घटकर केवल 27% रह गया है, ठीक है। DRSCS के अलावा सदनों के संयुक्त संसदीय समिति जो है चयन समिति को भेजे गए विधेयकों की संख्या भी नगण्य हो रही है। देखिए जब आप कोई चीज रख रहे हैं तो उसके आंकड़े रखने और इस तरह की रिपोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बताते हैं कि हाल ही में उनके महत्व में कैसे गिरावट आ रही है, जो उनके कार्य हैं वो नहीं सौंपे जा रहे हैं, उन्हें गठित नहीं किया जा रहा है, कैसे उनके मामले कितने परसेंट जो है उस टाइम पीरियड में जाते थे फिर अब कैसे घट रहे हैं, वो चीजें आंकड़ों के अनुसार बताते चलेंगे तो आप जो है आपका जो आंसर है वो प्रमाणिक रहेगा, तथ्य से पूर्ण रहेगा, और वहां पर वो चीज प्रेजेंट होगी कि वो जो बातें बोल रहा है वो प्रमाण के साथ बोल रहा है, और जब अपनी बात जो है आप प्रमाण के साथ रखते हो तो वो लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है और अपना आंसर आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, ठीक है। सार्वजनिक महत्व के विषयों की उपेक्षा करें की बात करें तो जो है हाल ही के वर्षों में संसद के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति को निरस्त किया गया था और जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो ये जो इतने महत्वपूर्ण कार्य हुए किसी भी संसदीय समिति द्वारा समीक्षा या इसमें परिवर्तित नहीं किया गया था कि भाई आप देख लीजिए ये चीज कैसे है, ठीक है कि नहीं है, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आप इसी पे थोड़ा टाइम लगाइए, बात कीजिएगा कुछ काम के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो ये क्या हम देख रहे हैं, उनके महत्व में गिरावट देख रहे हैं कि भाई कैसे उस में गिरावट आती जा रही है, ठीक है। अपने पॉइंट ऐसे देते आपको चलना है। अन्य कमियों की हम बात करें तो जो संसदीय समिति है वो समितियों की बैठक में सांसदों की उपस्थिति को कम होना, एक समिति के अधीन कई मंत्रालयों को शामिल होना, संसद जो समितियां हैं उनके गठन के समय जो है सांसदों को नामित करते समय जो है अधिकांश राजनीतिक दल द्वारा मानदंडों का पालन न किया जाना, और जो DRS जो है इसके पास जो है कार्य समीक्षा करने के लिए 1 वर्ष का अल्प समय अवधि का होना, आदि कुछ जो है इस तरह के मुद्दे हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे चीजों के अंदर गिरावट हो रही है। अब क्या देखेंगे आगे, क्या किया जा सकता है, क्या चीजें हो सकते हैं, किस तरह के उपाय हो सकते हैं, हमारे एनालिसिस किस तरह की हम लिख सकते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। नई समितियों की स्थापना क्या किया जा सकता है, उपाय क्या किया जा सकते हैं, अर्थव्यवस्था जो है तकनीकी क्षेत्र में प्रगति के साथ जो है इससे जुड़े मामलों की जटिलता वृद्धि को देखते हुए जो है नई संसदीय समिति की स्थापना हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। अनिवार्य चर्चा की बात करें तो सभी समितियों द्वारा जो है प्रमुख रिपोर्ट पर संसद में विशेष रूप से उन मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए जहां किसी भी मुद्दे या बिंदु पर जो है समिति एवं सरकार के मध्य मतभेद और असहमति उत्पन्न होती है, ठीक है। आवधिक समीक्षा की बात करें तो संविधान के कामकाज और समीक्षा के लिए गठित जो राष्ट्रीय आयोग है उनके अनुसार DRS जो SC है उसकी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि समितियों को जो है उपयोगिता नए सिरे से रेखांकित की जा सके। ये आप क्या देख रहे हैं कि भाई आगे क्या किया जा सकता है, आगे क्या चीज हो सकती है, वो पॉइंट आपने एड्रेस कर दिए तो पूरे क्वेश्चन को जो है पता चल गया कि भाई हाँ इसकी प्रभावशीलता में सुधार कैसे उपाय सुझाइए, प्रभावशीलता क्या होती है, कैसे इफेक्ट कर रही है, उस चीज में यदि हमें उपाय बताने हैं तो प्रॉब्लम्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात की कि भाई ऐसे किसी की गिरावट आ रही है उसमें फिर ऐसे सुधार किए जा सकते हैं, उपाय उन्होंने पूछे थे तो प्रॉब्लम्स का एड्रेस करते हुए चीजों के बारे में बता दिया, ऐसे आपने आंसर लिखना है।
आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, संसदीय मंच की बात हो रही है और संसदीय समूह क्या है, तो पहले ऐसे क्या पूछा जाए, योजना पूछी जाए, किसी व्यक्ति किसी चीज के बारे में ऐसे पूछा जाता है तो आपको कहाँ जाना है, उस चीज के बारे में बताना है, वहीं से हमने शुरुआत करनी है, ठीक है। और साथ ही उनके कार्यों पर भी चर्चा कीजिए, तो उनके कार्य क्या क्या करते हैं, उस चीज पर हम चर्चा करते चलेंगे और फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उन चीजों के बारे में बताते हुए, ठीक है। संसदीय मंच जो होते हैं, उनकी स्थापना सदस्यों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जो संसदीय मंच है उनको छोड़कर अन्य सभी मंचों के लिए पदेन अध्यक्ष होते हैं, और जो संसदीय समूह है उनके स्वायत्त एक निकाय है। दोनों चीजों के बारे में हम बता रहे हैं, उनके बारे में उनकी डेफिनेशन, उन चीजों के बारे में बताते हुए ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है। क्या है, कोई योजना है, कोई परियोजना है, कुछ इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि वो क्या होता है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी बताने की आवश्यकता है कि वो एग्जैक्टली पहले तो यही जान लीजिए कि वो होता क्या है, ठीक है। तो उन चीज की डेफिनेशन, उन चीजों के बारे में बताते हुए आपको अपनी प्रश्न की शुरुआत करनी होती है, ठीक है, जिसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के सांसद अपनी सामान्य समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान खोजने हेतु मिलते हैं, ठीक है। इस समूह का उद्देश्य जो है लोकतंत्र को मजबूत करने और विश्व के समक्ष जो है आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने के क्रम में जो है समन्वय स्थापित करना है। इसमें विश्व स्तर पर जो है शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। यह जो समूह है विश्व की विभिन्न सांसदों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, और इसका जो गठन है 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में हुआ था। भारतीय संसद समूह यानी कि, ठीक है, इसकी सदस्यता संसद के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है, और संसद के पूर्व सदस्य भी इस समूह के सहयोगी और सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जो सहयोगी हैं या संबंधी हैं वो सदस्यों को सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब उस चीज के बारे में जहां तक डेफिनेशन है वो उसकी प्रश्न भी हो गई, आके आपने उस चीज के बारे में बता दिया, क्योंकि उसको आपको एक प्रवाह देना होता है। मान लीजिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है और जो डेफिनेशन के आधार पर है, यानी कि उसके प्रश्न भी किस तरह जाएगी, एक डेफिनेशन के रूप में जाएगी, उस चीज के बारे में बताते हुए जाएगी, उस चीज के बारे में बताते हुए उसका जिक्र बाद में जो आप करेंगे वो क्या होता है, उसके बारे में डिटेल देनी होती है कि भाई हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, और उसका प्रवाह देने में वो काम आता है। ये आपके आंसर में एक प्रभाव है, एक वे है जो आपके एग्जामिनर को बाहर के ले जाएगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कार्यों पर, ठीक है, संसदीय मंचों का क्या कार्य होते हैं। जल संरक्षण प्रबंधन पर संसदीय मंच, ठीक है, जल से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनकी पहचान करना, उन पर अपना सुझाव देना, ताकि उन पर जो है विचार उपरांत सरकार जो है संबंधित संगठन और उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। जल संरक्षण एवं उसके जो है कुशल प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार एवं कार्यशालाओं और आयोजन करना तथा अन्य संबंधित कार्य जिसे कि उचित समझा जा जाए उस पर भी संज्ञान लेना, ये क्या है, ये इसका एक कार्य है मंच का, ठीक है। अब ऐसे ही कार्य देखते चले जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताते चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको आसान बनाइए अपने लिए पॉइंटों में लेके आके, और उसी तरीके से आसान बनाइए एग्जामिनर के लिए कि वो आपकी कॉपी बहुत आसान तरीके से चेक कर सके, उसका आपका आंसर स्पष्ट रूप से चमके कि आपने क्या लिख रखा है, कैसा लिख रखा है, ठीक है। उसको पढ़ना आसान होगा तो वो भी आपको बहुत आसानी से नंबर देगा, ठीक है। युवाओं के लिए संसदीय मंच की बात करें तो युवाओं के अंदर जो है मौजूद मानव पूंजी के उपयोग को रणनीतियों पर सार्थक चर्चा करना, ताकि युवाओं के जो विकासात्मक पहलू है उनको आगे बढ़ाया जा सके। युवाओं की क्षमता के बारे में जो है जागरूकता पैदा करना, युवाओं की जो है प्रतिनिधियों और नेताओं के साथ जो है नियमित अंतर्क्रिया करना, जिससे कि उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी चिंता, उनकी समस्याओं पर विचार किया जा सके। विशेषज्ञ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से चर्चा करके युवा सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों की पुनर्रचना पर बल देना, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक डेटाबेस तैयार करना, इससे क्या है कि संसदीय जो मंच है जो सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां तक संसदीय जो मंत्रियां हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो मंत्रालय हैं, वो प्रमुख अधिकारियों के एक महत्वपूर्ण विषयों पर संकेंद्रित और सार्थक चर्चा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है संबंधित मंत्रालय, गैर सरकारी संगठन और समाचार पत्र, इंटरनेट आदि के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित कर एक
डेटाबेस तैयार करता है और उन्हें सदस्यों के बीच में जो है वितरित करता है ताकि सदस्य फोरम की बैठकों में सार्थक ढंग से भाग ले सके। तो ये क्या हो गया, ये आप उसके मंच के बारे में चीजें बताते चल रहे हैं। अब बात करते हैं संसदीय समूह की, क्योंकि दोनों की चीजों पर बात की गई है, दोनों में हमसे पूछा गया है। अब मंच की बात हमने कर ली, अब समूह की बात हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पूछा गया है बस उस चीज को फिर करते चलना है। संसदीय समूह के कार्य के बारे में बात करेंगे। देखिए यह समूह जो है भारत के संसद विश्व की अन्य सांसद जो होते हैं उनके बीच में कड़ी का काम करता है, ठीक है। इस कड़ी को बनाए रखने के लिए जो है शुभेच्छा जो मिशन होते हैं मिशनों को पत्राचार एवं दस्तावेजों को आदान प्रदान किया जाता है। विदेशी संसद जो है सदस्यों के राज अध्यक्षों का जो है संबोधन एक प्रमुख व्यक्तियों द्वारा जो है वार्ताओं और आयोजन एक समूह द्वारा किया जाता है। सामायिक रुचि एवं सामाजिक महत्व के संसदीय विषयों पर जो है संगोष्ठियों को समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है। विदेशी जो है दौर होते हैं उनके दौरों पर जाने और समूह के सदस्यों का जो है परिचय अंतर संसदीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय जो समूह होते हैं उनकी शाखाओं को सचिवों को भेजा जाता है, ठीक है। और विदेश जाने वाले जो भारतीय संसदीय हैं वो प्रतिमंडल 19 सांसदों को जो है सम्मिलित किया जाता है जो प्रतिमंडल गठन के 6 महापूर्व समूह के सदस्य बन चुके होते हैं। ये किस चीज के कार्य हैं, ये संसदीय समूह के कार्य हैं कि भाई वो ये चीजें कार्य करता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए संसदीय लोकतंत्र का मजबूत करने और विशेषता को बढ़ावा देने में संसदीय मंच जो है संसदीय समूह दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या हो गया, ये इस चीज का निष्कर्ष हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रयास, प्लीज बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्लीज इन वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे साथ चीजें जुड़ सके, वो जनसमूह जुड़ सके ताकि उन चीजों के पहुंच सके जो फ्री में आपके सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं वहां पर वो उन चीजों के पास भी पहुंच सके, उन बच्चों के पास पहुंच सके जो उम्मीदवार है उनके पास पहुंच सके जिनसे वो चीजें उनको नहीं मिल रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।